नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जाम्पल पर। होप सो अभी छोटा सा इवेंट हुआ था, दैट मीन देयर इज अ सेलिब्रेशन जो हम लोगों ने किया था अपने परिवार को, जो आप लोगों ने 1,00,000 का कर दिया है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। तो सेलिब्रेशन आप लोगों ने देखा होगा, होप सो उसको एक बार और शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को ये नहीं पता है कि हाँ कोई टेक्निकल की तैयारी भी करवाता है और इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं और ब्रांचेस हैं सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स की, राइट? तो सभी को बताइएगा और सभी लोगों को ये भी होना चाहिए कि हाँ एक टेकपुर टेक्निकल के दैट मीन्स टेक्निकल की तैयारी में कहीं अपना एक वर्चस्व रखता है और ऑब्वियस बात है उनके उसका एक नाम भी है। क्लियर है? चलिए तो आज दैट मीन्स हमारा सेकंड पार्ट है जिसका नाम है क्लच। तो बच्चे मैं क्लच को आज कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि क्लच में हम लोगों ने कल नेक्स्ट सैटरडे को हमने कुछ किया था, आज हम लोग थोड़ा क्लच को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्लच को कंप्लीट कर देंगे और मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि मशीन डिज़ाइन का कंटेंट किसी को नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझे यहाँ पर शो होता है डेली, ठीक है? और ये मैं बात कर चुका, दोबारा बात नहीं करूँगा। तो मैं आपके लिए वेंसडे को, दैट मीन्स कल तो नहीं, आज मुझे सोचने का मैंने सोच लिया है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। वेंसडे को आपके लिए नया कुछ मैं लेकर आऊँगा, वेंसडे को मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, मैंने सोच लिया है। और कल फिर मुझे उसको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा अच्छा मैं आप लोगों को दे पाऊँ वो मुझे चाहिए, तो मैं आपको वेंसडे को मिलूंगा और सेम टाइमिंग, टाइमिंग आपकी चेंज नहीं होगी, टाइमिंग आपकी सेम रहेगी। वेंसडे को आपको कुछ नया मिलेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन को हो मैं बूस्ट कर सकूं। और मैं हमेशा देखो, एक बात मैंने वहाँ भी बोली थी, एक बात मैंने ये भी बोली है, मेरा बच्चा वो जो सेलिब्रेशन था, हाँ दिल में खुशी है, बहुत खुशी है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस खुशी को दिन दुगना रात चौगना वो भी आप करोगे। ये भी आप नहीं किया है वो भी आप करोगे। बस एक सिलेक्शन दे दीजिए, चाहे वो UPPSC AE हो, चाहे वो SSC JE हो, क्या हो, चाहे वो UPPSC AE हो, चाहे वो SSC JE हो, दोनों चीज़ों में मेरा बच्चा, मैं यही कहूँगा मेरे बच्चों, दोनों को आप लेकर चलिए और सिलेक्शन दे दीजिए। क्लियर है? चलिए मेरा बच्चा, तो हम लोग चलते हैं आगे जो हम लोगों को स्टार्ट करना है। क्लियर है? चलिए, तो मैं कल हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच हम लोगों ने कर लिया था, आई होप सो सिंगल प्लेट हम क्लच हम लोगों ने कर लिया था। तो अब लोग हम लोग चलेंगे किसके लिए? मल्टी प्लेट क्लच के लिए। तो अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है इज अ मल्टी प्लेट इज अ मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है? तो जैसा मेरा बच्चा आप लोगों को, मैं सिर्फ वही चीजें करूंगा जैसा हम लोगों ने मल्टी कॉलर बियरिंग पढ़ा था। आप लोगों ने कॉलर बियरिंग पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा दैट मीन्स देयर इज अ मल्टी कॉलर बियरिंग, ठीक है? तो मल्टी कॉलर बियरिंग में हम लोगों को देखते हैं कि दैट मीन्स मल्टी कॉलर बियरिंग हम क्यों यूज करते हैं, एक बार रिकॉल करो। मल्टी कॉलर बियरिंग हम क्यों यूज करते हैं, रिकॉल करो कि बोले सर अगर रेडियल स्पेस, अगर मेरा बच्चा हमारा रेडियल स्पेस, मैंने क्या बोला कि हमारा रेडियल स्पेस इज कंस्ट्रेंड, रेडियल स्पेस आपका क्या हो, रेडियल स्पेस आपका क्या हो, बोला सर कंस्ट्रेंड हो, अगर हमारा रेडियल स्पेस, अगर हमारे पास क्या है कि रेडियल स्पेस आप इंक्रीज नहीं कर सकते, वहां पर हम मल्टी कॉलर बियरिंग यूज करते हैं। तो सेम प्रोसीजर मेरा बच्चा इसके साथ भी है कि जहां पर रेडियल स्पेस अगर कंस्ट्रेंड होगा वहां आप लोग क्या करेंगे, वहां हम लोग मल्टी क्लच मल्टी प्लेट क्लच बियरिंग हम यूज करेंगे। अब कहोगे सर जैसे, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं मेरा बच्चा से, आप लोगों को पता है कि क्लच इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है? तो ऑटोमोबाइल्स में आपके फोर व्हीलर भी आते हैं, टू व्हीलर में आते हैं। तो फोर व्हीलर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टू व्हीलर में स्पेस का सबसे बड़ा दिक्कत होती है कि सर स्पेस की हमको वहां रिक्वायरमेंट कम चाहिए, मतलब कम होती है। तो दैट मीन्स हमारे जो बेटा जितने भी टू व्हीलर्स होंगे क्या होंगे, बोले सर हमारे जो टू व्हीलर्स जो होंगे उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टी प्लेट क्लच हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। सर जी मटेरियल साइंस बोल रहे थे आप करवाने के लिए, राहुल भाई मटेरियल साइंस आप लोगों की जरूर होगी, मटेरियल साइंस आप लोगों की जरूर होगी, लेकिन वो क्लास में नहीं होगी, वो आप लोगों की संडे को एक स्पेशल क्लास, हमारे जो दूसरे सर आए हैं अनुभव सर,
हमारे जो दूसरे सर आए अनुभव सर, उनको मैंने बोल दिया है नेक्स्ट संडे, दैट मीन्स 18 अक्टूबर की आपकी क्लास होगी, वो आप लोगों को मटेरियल साइंस एक दिन में कंप्लीट करवा देंगे। कोशिश रहेगी पूरा मटेरियल करवा दें और साथ साथ क्वेश्चन भी करवा लें, ठीक है, मैंने बोला है उनको। और अगर ऐसा लगा कि हम लोग क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे तो अलग अलग दो दिन कर लेंगे, एक दिन हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे, दूसरे दिन हम क्वेश्चन कर लेंगे, राइट। चलिए, तो रेडियल स्पेस इज कंस्टेंट, हम एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टू व्हीलर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर जो मल्टीप्लेट क्लच है उसके अंदर हमारे पास जो पार्ट होगा वो क्या होगा। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो भी क्लच प्लेट, दैट मीन जो भी पावर ट्रांसमिशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है बेटा, किसकी हेल्प से होती है वाला सर, विच इज हेल्प ऑफ आर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास किसका होगा वाला सर, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट सर्फेसिस की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारी हमारा जो है पावर ट्रांसमिशन हो जाती है। तो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर देखना है, ये आपका सपोज दैट हम ले कह देंगे ये हमारा है गुरुदेव ड्राइवर, ठीक है, और ये जो है अगर हम कह दें ये हमारा क्या हो जाएगा बोला गुरुदेव, दैट मीन्स ड्रिवन। तो आप लोग देखते हो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होंगे। ये क्या है बोला सर, दीज आर फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट, ठीक है। या हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लगा देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक प्लेट लगा देते हैं, या अगर इसको प्लेट लगाने वाला काम करते हैं, जरा हम लोग जरा देखना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेट लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं, सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, राइट। ये क्या करेगी, इस पर क्या होंगे आपके फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होंगे उसकी वजह से हमारी क्या करेगी, ये आपका बेटा रोटेशन हो जाएगा, एक ये रोटेशन हुआ आपका, एक आपका ये रोटेशन हुआ, दैट मीन ड्राइवर रिटर्न करेगी तो ये दोनों मिक्स होंगे तो आपका ड्रिवन कर जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स, तो यहां पर जो नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स है, तो यहां पर आप दो चीजें देख सकते हैं क्या, एक तो हम लोग देख सकते हैं गुरुदेव क्या होगा, दैट मींस देयर इज एन इज इक्वल्स टू 1, क्लियर है। एक हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमारे हो सकते हैं कितने, बोला सर 2 हो सकते हैं। तो 2 होने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे यहां पर, कि बोथ साइड्स आर इफेक्टिव, क्या हुआ, द बोथ साइड्स आर इफेक्टिव। यहां हम क्या लिख देते हैं बोला सर, देयर बोथ साइड्स आर इफेक्टिव, क्या होगा कि हमारे दोनों तरफ क्या है आपकी फ्रिक्शंस, दैट मींस जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो दोनों साइड है, तो दोनों तरफ से क्या करेगी, वो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। तो सिंगल प्लेट में ऐसा भी हो सकता है जो सिंगल साइड इफेक्टिव हो और आपका क्या हो जाएगा, बोथ साइड इफेक्टिव होगा, क्लियर है। अब बात यह आ जाती है गुरुदेव कि आप क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मल्टीप्लेट पॉइंट मल्टीप्लेट क्लच के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, क्वेश्चन क्या आता है कि द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, क्या बोला गया, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, या हम कह देंगे द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स, या हम कह देंगे द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स, राइट, द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स। तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज करते होंगे, बोला हाँ सर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा बोला सर, एन इज इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू माइनस में वन। किसी को याद नहीं हो तो मैं कहना चाहता हूं बेटा इसको याद कर लीजिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो क्या बताता है आपको, ये आपको बताएगा कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कितने होंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, और एक आप लोगों ने ये सुना होगा कि सर इट इज ऑलवेज वॉट बोला सर ये हमारे क्या होते हैं, इट इज ऑलवेज इवन, ये हमारे क्या होंगे, ये हमेशा हमारे इवन होते हैं। तो ये बेसिकली आपको देखना है कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, एन वन जो होगा वो आपका क्या होगा, एन टू जो होगा वो आपका क्या होगा, एन वन आपका क्या होगा, एन टू आपका क्या होगा, ये क्या है, एन वन इज द नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्राइवर प्लेट, और यहां हम लिख देंगे द नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्रिवन प्लेट, ठीक है, ड्रिवन शाफ्ट या ड्रिवन ड्राइवर शाफ्ट पर जो होंगी वो होंगी। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो याद रख लीजिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे गुरुदेव, सपोज दैट हमारे पास क्या है, ऑलवेज इवन, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ऑलवेज इवन ये कैसे होता है, ठीक है। सपोज दैट हम लोग करते हैं, यहां पर मान के चलते हैं कि एन वन हमारे पास कितना है, हम मानते हैं गुरुदेव 3,
ठीक है। एन टू हमारे पास कितना है? बोला सर हम मान लेते हैं दो। मैंने क्या बोला, एन वन हमारे पास तीन है, एन टू हमारे पास कितना होगा, एन टू टू। तो मैंने बोलना चाहता हूं एन आपका कितना आएगा बच्चा, एन आपका कितना आएगा? बोला सर जो एन है वो हमारे चार आने चाहिए जैसा इस फॉर्मूला से है, और हम लोग याद कर रहे हैं कि सर इज इवन। तो देखना चाहोगे कि कैसे हम लोगों ने बोला? बोला हाँ सर। तो ये दिखाने से पहले मेरे बच्चे, ये दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार क्लच प्लेट दिखाना चाहता हूं, जो मल्टीप्लेट क्लच जो होती है वो कैसी होती है। देखिएगा जरा एक बार, देखिएगा उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगा चीजें। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चीजों को थोड़ा सा विजुअलाइज करने में हम लोगों को हेल्प मिलती है। जैसे मेरे बच्चे मैं इसको लेकर चलता हूं, ठीक है। ये दोनों मैंने आप लोगों के सामने, एक डायग्राम ये है, एक और डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि उसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरली विजिबल सा होगा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। गॉट इट? चलिए मेरे बच्चे, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है आपकी, मल्टीप्लेट क्लच है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहां देख पा रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं दिखा रहा हूं, दैट मींस ये क्या है आप लोगों को देखो, ये खुरदरी सी होती है, दैट मींस ब्लर सी होती है। तो ये क्या करती है, इन पर आपके ये है आपकी क्लच प्लेट्स, इन्हीं को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर ये हमारी होती है फ्रिक्शन प्लेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बीच में जो है उनको बोला है क्लच प्लेट, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को ये वाली जो प्लेट दिख रही होंगी, ये वाली जो प्लेट दिख रही है, ये प्लेट हमारी कौन सी प्लेट होती है, बोला सर दीज प्लेट्स आर द प्रेशर प्लेट्स, दीज प्लेट्स आर द प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट का मतलब ये क्या करती है, एक्सियल डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगी मेरा बच्चा, मूव करेंगी। क्या करेंगी, मूव करेंगी। सपोज दैट हम मान लेते हैं, कि ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारा क्या करेगा, फिक्स पार्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, आप देख पा रहे हो यहां पर, आई होप सो शायद मे बी आपको दिखाई दे रहा हो, मैं कहना चाहता हूं यहां पर क्या है, दैट मींस लिखा हुआ, दैट मींस क्लिक क्लच स्प्रिंग। तो ये क्या करेंगी बेटे, क्लिक स्प्रिंग की वजह से ये क्या करती है, आगे पीछे मूव करती है। तो मेरा बच्चा यहां पर आपके क्या करेंगे, ये प्रेशर प्लेट है, इसके बीच में एक प्लेट लगी है, ये प्रेशर प्लेट है, इसके बीच में एक प्लेट लगी है, इन दोनों के बीच में एक प्लेट लगी है। तो ये क्या है, मल्टी प्लेट्स हम लोगों ने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। दैट्स वाई सर टाइम तो सिविल का है, जितेंद्र सर की क्लास क्यों नहीं है आज? बेटा जितेंद्र सर मे बी आज यहाँ आए हुए हैं दिल्ली, आप लोगों ने सेलिब्रेशन में देखा होगा, तो सर की क्लास इसलिए नहीं है कि सर अभी यहीं थे, तो शायद मे बी क्लास नहीं ले पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा काम होगा इसलिए सर नहीं ले, लेकिन कल से शायद बोल रहे थे कि कल से शायद कंटिन्यू कर लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब आइए, गुड इवनिंग सर, Got selected in NSI कानपुर Sugar Engineering in 8 vacancies। प्रहर मेरा बच्चा वेरी गुड, प्रहर वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रहर, सबसे अच्छी बात, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन है आप लोग, आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आप मैसेज कर सकते हो मुझे, तो मैसेज आप मेरे से अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं अगर आप चाहो तो आपका डेट मीन्स मैं कुछ करवा सकता हूँ, क्लियर। मैं करवाने का मतलब क्या है कि आपकी जो मेहनत है उसको अगर आप दिखाना चाहते हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा जरा, तो मैं कहना चाहूंगा ये हमारे पास स्प्रिंग है, तो ये क्या करेंगे, एक्सियल मोमेंट बेटा ये लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कोल ले लेंगे, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो हमारे पास रहेंगे, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट हम लोगों को देखने हैं। तो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट हम लोगों को किस तरीके के देखने हैं, तो मैं आपको दिखाऊं एक बार डायग्राम बना के, जरा देखिएगा। सपोज दैट ये हमारे पास, मैं एक बार प्लेट्स बना लेता हूँ, प्लेट्स एक बार देखिएगा, ये हमने क्या बनाई, बोला सर ये हमारी ड्राइवर की प्लेट्स है। कैसी प्लेट है, बोला सर ये हमारी ड्राइवर की प्लेट हो गई, कितने हो गए, तीन प्लेट हो गई। उसके बाद हम लोगों ने प्लेट ले ली, कौन सी प्लेट, बोला सर ये हमारी प्लेट हो गई है, दैट मीन्स देयर इज अ ड्रिवन प्लेट्स, ठीक है, जो क्या करेंगी, एक्सियल मूवमेंट देंगी। तो ये आपके क्या हो गए, एन वन, एंड ये हमारी है एन वन, और ये जो है वो आपकी क्या है, एन टू। तो इसके अंदर एक बार फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स जो सरफेसेस हैं, जो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट जो है वो एक बार देखिएगा कितने आ रहे हैं। मैंने कितना बोला मेरे बच्चा आप लोगों को, चार बोला, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, वेरी गुड। तो हाँ बिल्कुल, आपको यूपीपीएससी यही टारगेट करना है, मैं कहना चाहता हूँ प्रहर जरूर आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए बेटा, मैं आपको बहुत कहना चाहूंगा, आपको कुछ जो बताना होगा मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। चलिए, तो मैं कहना चाहूंगा एक पॉइंट हमारा, देखो कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट, और बस कितने कॉन्टैक्ट, एक चार दिखाऊं, देखो एक कॉन्टैक्ट ये वाला हुआ, एक कॉन्टैक्ट ये वाला हुआ, एक कॉन्टैक्ट आपका ये वाला हुआ, और एक कॉन्टैक्ट आपका कितना हुआ, ये वाला हुआ। तो कितने कॉन्टैक्ट हो गए, बोला सर हमारे कॉन्टैक्ट हो गए चार, और बेटा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आपके जो
द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट कितने हैं? बोला सर चार है. तो चार लोग सबको दिखाई दिए, चार सबको दिखाई दिए. बोला सर वन, दो ये हो गए, एक आपका ये हो गया. तो चार फ्रिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से आते हैं. तो अब याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज इवन, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया. क्लियर है? चलते हैं. अब ये हमारे पास पार्ट हो गया है. अब हम लोगों को जो आगे लेकर चलना है वो हमको ये लेकर चलना है कि सर इसकी अगर हमारे पास अगर कैलकुलेशन होती है तो हम कैलकुलेशन इनकी किस तरीके से करेंगे, इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे. तो जो कैलकुलेशन है वो आपकी क्या होगी, एज पर यूपीटी, एक तो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से होती है, एक आपकी जो होती है वो आपकी किसकी वजह से होती है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से होती है. किसके हिसाब से? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. गॉट इट? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से आप लोगों को क्या निकालना है, दो चीजें मैं बताऊंगा. बेसिकली हमको क्या निकालना है, प्रेशर, और हम लोगों को क्या निकालना है मेरा बच्चा, टॉर्क. ठीक है, बेसिकली हम दोनों को ये चीजें आएंगी. तो मैं कहना चाहूंगा कि सर अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं तो हम लोग कह देंगे बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ आर्म. राइट? क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग लोड निकालेंगे, अगर हम लोग यहां पर प्रेशर निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बोला सर देयर इज अ डब्ल्यू बाय, दैट मींस व्हाट, बोला सर डब्ल्यू बाय पाई आर ओ स्क्वायर माइनस व्हाट, बोला सर आर ए स्क्वायर. यही होगा? बोला हां सर ये होगा. लेकिन ये किसकी बात कर रहे हो? फॉर मल्टीप्लेट, फॉर मल्टीप्लेट्स. किसकी बात कर रहे हैं? सर हम मल्टीप्लेट्स की बात कर रहे हैं. तो मैं कहना चाहूंगा बेटा फॉर मल्टीप्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे ही मल्टीप्लेट में मैंने ये लिख दिया कि P is equals to W into pi RO square minus RI square, ये लिख दिया, उसके बाद मैंने एक और लिखता हूं बोला सर टॉर्क ट्रांसमिटेड. तो टॉर्क आपका क्या आ जाएगा, बोला सर N, N is what, बोला नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स into, into, into हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर पाई W into RO what, बोला सर RO, रुक जाओ, सर 2/3 आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाय आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. ये आप लोगों को मैंने बताया था, ये मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ या ना? बोला हाँ सर ये मैंने बता दिया. लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों को इसी, सॉरी सर प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, तो क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने जाना पड़ता था. हाँ डॉक्यूमेंट जब, बिल्कुल बेटा पहले वो वाली क्लास है, क्लास तो बाद में भी देख सकते हो. पहले आपने जो मेहनत करके जो चीज एक्वायर की है, दैट मीन्स एक्वायर करने का मतलब नहीं, दैट मीन्स गेन की है तुम्हारी मेहनत, पहले उसको प्रायोरिटी दो, उसके बाद क्लास है, आपको बताइए. ठीक है? तो ये अब ये चीज जैसे ही मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आती है क्या, कि सर मल्टीकोलर बियरिंग में अगर हमने फॉर, अगर हम बात करते हैं मल्टी कॉलर बियरिंग की बात करें, ठीक है, मल्टी कॉलर बियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बोला सर वहां पर भी हमारे पास क्या था, बोला सर वहां पर भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलर्स थे. मैंने बोला हाँ बेटा, तो वहां पर सर आपने लिखा था W अपॉन में N डिवाइडेड बाय पाई इनटू आर ओ स्क्वायर माइनस.
ठीक है, इट इज ऑडिबल गाइस, एक बार बता दीजिए इट इज ऑडिबल, आई होप सो इट इज ऑडिबल, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अब बात ये आती है गुरुदेव, वहां पर आप लोगों ने मल्टी कॉलर की बात की थी, जैसे हमारे पास ये शाफ्ट था, ये हमारे पास शाफ्ट था, बोला सर हम लोग यहाँ पर मल्टी कॉलर्स लगा रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टी कॉलर्स हम लोग लगा रहे थे, ये हमारे पास लोड आ रहा था W, तो वहां पर सर आपने N लिखा था, यहाँ पर आप लोगों ने N नहीं लिखा, ऐसा क्यों? वहां पर आपने N लिखा था, यहाँ पर आपने N क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों? तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, जो मेरा कॉलर का काम था, जो मेरा कॉलर का काम था, वो मेरा काम क्या था, लोड को सपोर्ट करना, लोड को क्या करना मेरा बच्चा, सपोर्ट करना, क्या करना, लोड को सपोर्ट करना। तो लोड जो सपोर्ट करेगा तो बैटमैन ईच कॉलर आपका सपोर्ट कर लेगा, लेकिन यहां पर जो बेटा लोड को बियर करने वाली जो बात है, यहां पर जो लोड को बियर करने वाली बात है, वो आपकी लोड को बियर कौन करेगा, आपकी जो एक फिक्स प्लेट है वही आपको क्या करेगी, लोड को सपोर्ट करेगी। कैसे दिखाऊं, जरा दिखाऊं, बोला हाँ सर दिखाइए। तो मैं कहना चाहता हूं, सपोज दैट बेटा This is my fixed plate. आप लोगों को पता है, बोला सर ये मेरी एक फिक्स प्लेट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्राइवर शाफ्ट्स की, that means driven shafts की, तो हमारे पास ये प्लेट्स हो गई, that means these are the driver shafts की प्लेट है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएंगी गुरुदेव, driven shafts की प्लेट हो जाएंगी, एक दो और तीन हमारे पास प्लेट आई, और यहां से जो आपका लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, सपोज दैट व्हेन देयर इज अ लोड, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो हैं आपकी, ये क्या करती हैं, बोला सर इनका जो क्या होता है, मूवमेंट होता है, इनका क्या करेगा, बोला सर इनका मूवमेंट होता है, कैम स्लाइड्स लगी होती हैं, ये क्या करती हैं आपकी, मूव करती हैं। तो बेसिकली जो ये लोड जाएगा, मेनली किस पर लोड जाएगा, सारा का सारा लोड आपका किस पर जाएगा, बोला सर ये जो प्लेट है वो हमारी क्या कर देगी, लोड कैरी कर लेगी। तो हम कह देंगे कि जो W है वो क्या कह देंगे, बोला गुरुदेव W इज इक्वल टू W प्लेट, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर W इज इक्वल टू W प्लेट आपका आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर नंबर ऑफ कॉलर्स को नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि दीज आर फिक्स्ड, वहां पर वो आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं एंड यूज टू सपोर्ट द लोड। लेकिन यहां पर क्या है, दीज आर स्लाइड्स, ये क्या करती हैं, स्लाइड्स करती हैं। तो जो सारा लोड जाएगा वो आपका किस पर जाएगा, बोला सर इस प्लेट पर जाएगा, तुम कहते हैं तो W आपका क्या हो जाएगा, आपका W प्लेट हो जाएगा। आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर है बेटा, साउंड नहीं आ रहा है सौरभ, अब भी कोई प्रॉब्लम है बच्चे, क्या प्रॉब्लम हुई, इट इज ऑडिबल बेटा, नहीं इट इज ऑडिबल और नॉट, एक बार बता दीजिए सौरभ, अब भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, इट इज ऑडिबल, एक बार बताइए बेटा फास्ट, हाय है ना, ठीक है, ओके है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास हो गया, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि बोला गुरुदेव हमारे पास यहां हम W नहीं लिखेंगे। तो आई होप सो आपको जो मैंने सारी चीजें बताई ये आपको क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी, जो हम लोगों को देखना है। तो आप याद रख लीजिएगा, लेकिन जो आपका टॉर्क है, द टॉर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन टॉर्क बेटा आपका क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आप लोग देखते हो टॉर्क आपका क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, ये जो है ये आपका क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा द टॉर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट द लोड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लेकिन वहां पर क्या था, उल्टा था। तो याद रख लीजिएगा, इन प्लेट ऑफ क्लच The torque is dependent upon the number of plates या number of frictional contacts. तो ये आपको याद रखना है, it is very important. यहां से अगर हम लोग एक और load का लिखते हैं, बोला सर uniform wear theory के हिसाब से, तो uniform wear theory के हिसाब से क्या आएगा, बोला सर there is a 2 pi ri into ro minus what, बोला सर there is a ri. ये हमारा क्या हो जाएगा, induced pressure, maximum pressure inside पे होगा, that's why मैंने re ले लिया। tf हम लोग क्या ले लेंगे, बोला सर n इंटू म्यू इंटू W इंटू वॉट, बोला सर आर ओ आर आई डिवाइडेड बाय वॉट, बोला सर 2। क्लियर, तो हम लोग यहाँ कह देंगे TF आपका हो गया, पावर P आपका हो गया। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपका हो गया मल्टीप्लेट और क्लचलेस, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे, चलिए अब यहां से मेरे पास बेटा हमारे पास क्या आ जाती है, यहां पर अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मल्टीप्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच है। तो मल्टीप्लेट क्लच के अंदर आप लोगों ने कुछ सुना होगा क्या,
कि जैसे ही हमारे नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट, जैसे ही आप लोग एन इंक्रीज करोगे, तो एन का मतलब है, बोले सर नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट, तो मैं कहना चाहता हूं अगर मैं नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट इंक्रीज करता हूं, नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट इंक्रीज करता हूं, तो मेरा बच्चा जो हमारा हीट जनरेटेड है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। जो आपका हीट जनरेटेड है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। बोले सर मेरा हीट जनरेटेड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हीट जनरेटेड मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब मेरा हीट जनरेटेड इंक्रीज करेगा तो मैं कहना चाहूंगा कि सर हमारा म्यू भी, हम कह देंगे दैट मींस म्यू भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो जब म्यू इंक्रीज करेगा, हीट जनरेटेड इंक्रीज करेगा, दैट मींस की पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ड्यू टू द हीट जनरेशन टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। ड्यू टू दिस हमको यहां पर क्या करना है, यू हैव टू यूज आपको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कूलेंट्स यूज करने पड़ते हैं, या हम लोग कह देंगे बोले सर हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल, या हम कह देंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल, या हम लोग कह देंगे बोले सर देयर इज अ कूलिंग फ्लूइड्स, हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कूलिंग फ्लूइड्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। ड्यू टू द फ्रिक्शनल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या होता है, हमारा हीट जनरेटेड ज्यादा बढ़ जाती है, ड्यू टू हम लोग क्या करना पड़ता है, कूलिंग कॉन्टैक्ट हमको करना, कूलेंट हम लोगों को यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई अब आपका म्यू क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर यहां पर देखते हैं बेटा, हमारे पास रेडियल स्पेस हमारे पास कम है। जब रेडियल स्पेस हमारे पास कम है तो हम क्या यूज करेंगे, बोले सर मल्टीप्लेट क्लच यूज करेंगे। जब मल्टीप्लेट क्लच हम यूज करेंगे तो हम लोगों को पता है कौन कौन कहां कहां पर यूज करते हैं, जो आपके स्कूटर्स हैं यानी टू व्हीलर्स के अंदर बेसिकली हम यूज करेंगे। तो फॉर द गिवन पावर कैपेसिटी, फॉर ए गिवन पावर हमारे लिए सबसे अच्छी कौन सी होगी, मल्टीप्लेट क्लच हम लोगों के लिए अच्छी होती है। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा, आप लोगों को मैं डिफरेंस बताऊंगा। अब हम चलते हैं सर, दैट मीन्स वॉट, बोले सर कोन क्लच के लिए। ठीक है, कोन क्लच के लिए अब हम लोग दिखाएंगे, बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ कोन क्लच। तो कोन क्लच जो होगा वो आपका कैसा होता है, तो कोन क्लच देखिएगा एक बार। कोन क्लच में ज्यादा हम लोगों को दैट मींस इतना नहीं पढ़ना, लेकिन कोन क्लच में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कोन क्लच आपकी कैसी होती है। बेटा कुछ नहीं है, कोन क्लच सिर्फ और सिर्फ आपका कोन के शेप की होगी। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे, दिस इज द ड्राइविंग शाफ्ट। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो है मेरा जो रेड कलर का मैंने बनाया है, जो आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका क्या है, बोला गुरुदेव दिस इज द ड्राइवर शाफ्ट। क्या है, बोला गुरुदेव दिस इज द ड्राइवर शाफ्ट, गॉट इट, जो क्या करेगा आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हमको यहां पर दिखना है, बोला सर ड्रिवन शाफ्ट, तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा जो मैं ब्लैक करके बना रहा हूं, इसकी जो शेप है वो आपकी कैसे शेप दिख रही है, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कोन शेप। कैसी हो गई, बोला सर कोन शेप, ये आपकी हो जाती है बोला सर ड्रिवन शाफ्ट। इन दोनों के बीच में अगर मैं कुछ कलर का बनाता हूं, दैट मींस ये वाला कलर बना ले, यहां शायद पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन हम ये वाला कलर बना लेते हैं, तो आप लोगों को शायद ये कलर आई होप सो दिख रहा हो, ये जो मैंने पिंक कलर का बनाया है, ये पिंक कलर के क्या है, बोला सर दीज आर द कॉनिकल स्प्रिंग सरफेसेस। जो ये पिंक कलर का बनाया है, ये आपके क्या है, कॉनिकल स्प्रिंग सरफेसेस। तो आई होप सो दैट मींस थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो ये आपके क्या है, कॉन क्लच है। क्लियर, तो वही बात है बेटा, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगी, जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ये क्या करेंगे, अपना ड्राइवर अपने ड्रिवन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर, अब यहां पर जो आपको याद रखने की बात है, वो आपको ये याद रखनी है कि जहां पर भी आप लोगों ने म्यू को यूज किया था, जैसे ही हमारे पास कोन वाली बात होती है, तो हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है, या हम लोग कह देंगे डिस्क प्लेट, डिस्क या प्लेट क्लच के लिए, मैंने क्या बोला, डिस्क प्लेट और क्लच के लिए आपका क्या होगा, बोला सर ये हमारा म्यू होगा। जैसे ही बेटा मैं कोन की बात करता हूं, दैट मींस कोन है, तो कोन आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हमारे पास क्या है गुरुदेव, यहां पर हमारे पास एक अल्फा एंगल है, दैट मींस कोन एंगल जिसको आप बोलते हो। क्लियर, तो ये हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास बोल देंगे बोला सर जैसे ही हमारे पास ये आ जाए, तो हमारे पास जो हमारा म्यू होगा वो म्यू अब आपका क्या आएगा, बोला सर देयर इज अ म्यू साइन अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ म्यू इनटू म्यू। सर पिक क्लियर नहीं है, प्लीज डार्क कीजिए, बेटा एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूं, आई होप सो अब दिखे आपको, एक बार बताइएगा जरा मुझे, अब दिखाई दे रहा है,
अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब दिखाई दे रहा है, एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ भाई बता रहा हूं अजय कुमार जी, कौन एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए बेटा। सिर्फ हमारे पास पहले डिस्क जो थी वो हमारे पास डिस्क शेप की थी, राउंड शेप की थी। अब आपने उसको क्या कर दिया, उसको कौन शेप का कर दिया। जैसे ही हम कौन शेप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉनिकल एंगल बनाता है, वो एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, जो कोण है, कोण क्लच के अंदर आपका जो म्यू होगा वो आपका क्या होगा, म्यू बाई साइन अल्फा हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स जो हैं, बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो टर्म्स सारी सेम रहेंगी जो आप लोग करते हैं। कैसे करते हैं, बोले सर हम लोग लिखते हैं वही यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए तो हमारे पास डब्ल्यू क्या होगा, सॉरी डब्ल्यू नहीं पी हम लिखते हैं, तो हमारे पास पी क्या होगा, जो सेम हम लोग पहले लिख के आए थे वही हम लोगों को यहां लिख देना है। कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों को उसके लिए करना है। क्लियर, P इज इक्वल्स टू W अपॉन में दिस। ठीक, यहां पर सिर्फ आपका टॉर्क जो है वो आपका अलग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा N इंटू म्यू साइन अल्फा ओवर व्हाट, W ओवर 2/3, सेम चीज जो आप पहले करके आए हैं। ठीक है, ये मेरा बच्चा आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क ट्रांसफर द कोन क्लच, किसका कोन क्लच का, एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो ये याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुछ और बताऊंगा मैं आप लोगों को जो आप लोगों को देखना है। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए प्रेशर जो इंड्यूस्ड होगा वो आपका क्या होगा, 2πRI। और RI आई होप सो आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि अंदर है तो जहां जितना अंदर होगा वहां आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इनर रेडियस। ठीक है, इसके अंदर भी सेम हो गया। यहां पर आपको क्या करना है, सेम चीज जो आपने वहां पर की थी, बोला सर n म्यू साइन अल्फा ओवर w r o प्लस r i डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर देयर इज अ r मीन, इसको आप क्या बोलते हो, बोला सर देयर इज अ मीन रेडियस। क्लियर है, तो यहां से बेटा आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमारा जो लोड है, हमारा जो लोड है, लोड इट इज ऑल्सो द फ्री फ्रॉम द कोन एंगल। ये जो आपका एंगल है हम यहां लिख देते हैं, अल्फा जो है इट इज द सेमी कोन एंगल। क्या बोला गया, सेमी कोन एंगल। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हम लोगों को यह पता चल रहा है कि आपका जो लोड है या जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका लोड है या आपका जो प्रेशर है, इट इज फ्री फ्रॉम द कोन एंगल, फ्री फ्रॉम द कोन एंगल। दैट मीन्स कोन एंगल पर आपका ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारा जो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कोन क्लच, चाहे वो आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ले लीजिए, चाहे आप यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ले लीजिए, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, बोला सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोन एंगल। क्या बोला सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेमी कोन एंगल। क्लियर है, हो गया। और हम लोगों को पता है कि जैसे ही हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं, हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है इस क्या होगा, अगर जितना ज्यादा फ्रिक्शनल टॉर्क होगा ऑब्वियसली बात है उतना ज्यादा हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज दैट मैं अल्फा बढ़ाता हूं, तो हमारा अल्फा बढ़ाऊंगा तो मेरा बच्चा, मेरा जो साइन अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइन अल्फा इंक्रीज करेगा तो हमारा टीएफ क्या करेगा, डिक्रीज। और टीएफ अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो मेरी पावर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हाँ है ना, आप चाहते हो कि दैट मींस पावर जो ट्रांसमिट हो रही है, आप चाहते हो कि जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो पावर ट्रांसमिट आपकी कम हो, बोला नहीं सर, हम लोग क्या चाहते हैं कि पावर हमारी क्या हो, बढ़े। दैट मींस ड्राइवर शाफ्ट से ड्राइवन शाफ्ट को हमारी पावर ट्रांसमिट हो, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का, अल्फा की जो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं लेंगे, जितनी अल्फा की वैल्यू कम होगी उतनी हमारे लिए अच्छी होगी। सर व्हाई यू हैव टेकन सेमी कोन एंगल नॉट कोन एंगल टू अल्फा, तो अजय जी बिकॉज जब हम लोग इसकी डेरिवेशन करते हैं, जब हम लोग इसकी डेरिवेशन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एंगल हमारे पास अल्फा हमारे पास आता है, और एक पार्ट को जो हम लेकर चलेंगे हमारे पास डेरिवेशन में आ जाएगा अल्फा। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, मैंने डेरिवेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्फा ही लिया है, क्योंकि टू अल्फा हमारा दोनों खाई का हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही एंगल लेकर चलेंगे, अल्फा टू अल्फा हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग देख लेंगे कि अल्फा की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लेस होगी। अगर अल्फा लेस होगा तो साइन अल्फा लेस होगा,
अल्फा लेस होगा, साइन अल्फा लेस होगा, साइन अल्फा लेस होगा, टीएफ आपका इंक्रीज होगा और पी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई मेरा बच्चा हम लोग जो अल्फा की टू अल्फा की जो वैल्यू है वो हम लोग कितनी रखते हैं, बोला सर देयर इज अ टू अल्फा, आपका क्लच के लिए कितना हो जाएगा, बोला सर 15 डिग्री से 30 डिग्री आपका क्या होगा, ये हमारा कौन एंगल हो जाएगा। क्लियर है, दैट मींस देयर इज अ कौन एंगल हम लोग यहां पर ले लेंगे। क्लियर, तो याद रख लीजिएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो टॉर्क है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, किस तरीके, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। चले आगे, चलिए बेटा अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, दैट मींस एक डिफरेंस, जो डिफरेंस कई बार मैंने क्वेश्चंस जो देखे वो वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, दैट मींस आप लोगों ने सुना होगा बोला सर देयर इज अ ड्राई क्लच, आपने सुना है, हम लोग क्या लेते हैं, बोला सर देयर इज अ ड्राई क्लच, उसके बाद हमारा आता है बोला सर देयर इज अ वेट क्लच। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा बोला सर देयर इज अ ड्राई क्लच एंड देयर इज अ वेट क्लच, तो ड्राई क्लच एंड वेट क्लच आपके क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर क्या करता है, यहां से आपसे क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं है, हो सकता है कि यहां से आपको क्वेश्चन एक रखा हुआ मिल जाए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे इसको एक 5 स्टार दे देते हैं ताकि हम लोगों का थोड़ा सा खर्चा हो, खर्चा करेंगे तो खुश होगा अगला, खुश होगा तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि ड्राई क्लच और वेट क्लच कौन सी होती है, तो ड्राई क्लच अगर बताएगा कौन किसको बोलते हैं ड्राई क्लच और किसको बोलते हैं वेट क्लच, ड्राई क्लच आप किसको बोलोगे और वेट क्लच आप किसको बोलोगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए ड्राई क्लच और वेट क्लच किसको आप बोलते हैं, बोला सर जो ड्राई क्लच होती है वो कौन सी क्लच होती है, वेट क्लच जो होती है वो कौन सी क्लच होती है, प्लीज टेल मी, ड्राई नो लुब्रिकेंट, वेरी गुड। तो बेटा ड्राई क्लच जो होती है वो हमारी सिंगल प्लेट क्लच, सिंगल प्लेट जो क्लच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ ड्राई क्लच। वेट क्लच जो होती है जो आपकी मल्टी प्लेट क्लच है, दैट मींस व्हाट, बोले सर मल्टी प्लेट क्लच को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट क्लच। अब नाम से ही पता चल रहा होगा बोले सर मल्टीप्लेट, तो मल्टीप्लेट है, वेट का मतलब हम क्या करेंगे, बोले सर देयर इज अ कूलेंट इज यूज्ड, कूलेंट आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। क्लियर है, दूसरा पॉइंट हम लोग यहां देखते हैं, एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि बेटा वहां पर आपने कूलेंट यूज किया हुआ है, यहां पर आपने कूलेंट यूज नहीं किया, ड्राई का मतलब कूलेंट, तो हमारे पास जो कॉफी, दैट मींस जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू जो है, म्यू आपका क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ म्यू इज हाई, म्यू क्या आपका होता है, दैट मींस म्यू इज हाई, यहां पर आपका जो म्यू होगा मेरे बच्चे म्यू इज लेस, म्यू आपका क्या होगा, म्यू आपका लेस हो जाएगा। क्लियर है, अब कई बार पूछ लेता म्यू की सर वैल्यू क्या होती है, तो बेटा बेसिकली जो म्यू की वैल्यू है यहां पर ड्राई क्लच के लिए म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 0.3, यहां पर जो म्यू की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होती है इज ग्रेटर देन और 1, दैट मींस ये क्या हो जाएगी आपकी म्यू की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, चले सेकंड पॉइंट आपका हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं बेटा, आपका म्यू कम, यहां पर म्यू ज्यादा है, वहां पर म्यू आपका कम है, तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए किस प्लेट की पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, किस प्लेट की पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें एक बार देखकर बताइए, मैं कहना चाहता हूं आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए,
सॉरी सॉरी मेरा ही बंद था, ठीक है। चलिए तो हम लोग कह देंगे क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि अब कहोगे सर मल्टीप्लेट क्लच है, इसके अंदर नंबर ऑफ ज्यादा टॉर्क है, n इंटू वन कर रहे हो, तो बोला सर यहां पर हमारे पास पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इसकी ज्यादा इसलिए नहीं होती है क्योंकि बेटा फोर्स आपका जो म्यू आपका आपका फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट ज्यादा, हीट जनरेटेड आपकी ज्यादा होगी, हीट जनरेटेड आपके पास ज्यादा होगी, म्यू आपका ज्यादा हो जाएगा, ड्यू टू हमारे लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग कूलेंट्स यूज करते हैं। तो कूलेंट क्या करेगा, उसका म्यू कम कर देगा, म्यू कम करते ही आपकी पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा, अब बेटा अब म्यू देखो बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि सर हमारा जो रेट ऑफ वियर है, बोला सर जो रेट ऑफ वियर जो है वो कहां पर ज्यादा होगा, जल्दी से बता दीजिए। वियर वियर की मैं बात करूं, रेट ऑफ वियर वो आपका कहां ज्यादा होगा, एक बार जल्दी से बताइए, सोचिए जरा, रेट ऑफ वियर आपका कहां पर ज्यादा होगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा, रेट ऑफ वियर आपका कहां पर ज्यादा होगा, जल्दी से बता दीजिए। बोला सर यहां पर म्यू ज्यादा है तो हम लोग कह देंगे रेट ऑफ वियर हमारा क्या होगा, बोला सर ड्राई क्लच का रेट ऑफ वियर मोर होगा एज कंपेयर टू वेट क्लच। तो यहां पर क्या होगा, बोला सर रेट ऑफ वियर इज लेस, रेट ऑफ वियर इज व्हाट, बोला सर रेट ऑफ वियर हमारा लेस हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हीट डेसिपेशन है, हीट डेसिपेशन जो होगा आपका वो आपका मोर कहां पर, दैट मींस मोर डिफिकल्ट। तो हीट डेसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन हीट डेसिपेशन, दैट मींस हीट जो डिस्ट्रीब्यूट आपकी होगी वो कहां पर डिफिकल्टी आएगी उसके अंदर, और कहां पर इजीली आपकी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट मींस हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताइए। जल्दी से सोच के बताइए, तो हम कह देंगे गुरुदेव यहां पर हम बात करते हैं पांच, तो हम कह देंगे कि यहां पर जो हीट डेसिपेशन है, हीट डेसिपेशन इज डिफिकल्ट, हीट डेसिपेशन इज डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, बोला सर हीट डेसिपेशन इज व्हाट, बोला सर इजी, यहां पर क्या है, हीट डेसिपेशन इज, हीट डेसिपेशन इज ईजी, कैसे मेरा बच्चा, बिकॉज यू यूज कूलेंट, आपने क्या किया यहां पर, बिकॉज बोला सर बिकॉज हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, हम लोगों ने कूलेंट यूज कर लिया, क्या कर लिया, कूलेंट। अब कूलेंट क्या करेगा, इट इज कैरी अवे द हीट, क्या करेगा, कूलेंट यूज, तो ये क्या करेगा, बोला सर कैरी अवे द हीट, ये क्या करेगा आपका, बोला सर ये हमारा हीट को ले जाएगा, इट इज कैरी अवे द हीट, ये हीट को आपका ले जाएगा, क्लियर है। ठीक है, कैरी अवे द हीट, क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं, आप लोगों को पता है कि एंगेजमेंट, तो किसका एंगेजमेंट अच्छा होता है, किसका एंगेजमेंट खराब होता है, ये भी कई बार पूछ लेता है कि सर एंगेजमेंट इज नॉट स्मूदर, एंगेजमेंट इज नॉट स्मूथ, आपका जो एंगेजमेंट होगा वो बेटा आपका स्मूथ नहीं होता, एंगेजमेंट इज नॉट स्मूदर, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बोला सर एंगेजमेंट इज स्मूदर, एंगेजमेंट, क्या बात हुई, इज स्मूदर, याद रखिएगा, अच्छा टॉपिक है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। एक और चीज हम लोगों से यहां पूछा जाएगा कि आपके पास जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, यहां पर हमारे पास बच्चा मॉइस्चर की भी प्रॉब्लम आ जाती है, सेवन, दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन मॉइस्चर, दैट मींस ड्यू टू द मॉइस्चर, ठीक है, जो मॉइस्चर की जो प्रॉब्लम होगी ना, इसका नंबर, तो दैट मींस प्रॉब्लम ड्यू टू मॉइस्चर, प्रॉब्लम ड्यू टू मॉइस्चर, ठीक है। लेकिन यहां पर देर इज नो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देर इज नो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यहां पर हमारे पास कोई भी ऐसी काइंड की
प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बेटा ये हमारे कुछ डिफरेंस थे, ये हमारे कुछ डिफरेंस हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे और मैं आपने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को अगर याद नहीं है, किसी ने नहीं लिख रखे हैं तो ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे बेटा इन एवरी एग्जाम, कोई आपका एग्जाम हो, इन एवरी एग्जाम, ठीक है, यहां से आपका हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और ये डिफरेंस अगर याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो आई होप सो आपको क्लियरली विजिबल होगा, मैंने एक टेबल सी बना दी, इस टेबल को आप क्या कर लीजिएगा मेरा बच्चा, आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गॉट इट, याद रखिएगा। क्लियर है? तो बेटा इट इज ऑल अबाउट, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज ऑल अबाउट द क्लच। अब कई लोग बोलते हैं सर सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में बेटा हम लोगों को ना, हम लोग नहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल क्लच बेसिकली हमारे सिलेबस में भी नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच हमारे सिलेबस में भी नहीं है और एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, जितना हम लोगों को दिया है हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। क्लियर है? तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्लच। तो मैं कहना चाहूँगा बच्चे, आज हमारी क्लच कंप्लीट हो गई है, मैंने काफ़ी सारे जो मेन मेन टॉपिक थे, मैंने मेन टॉपिक बेटा आप लोगों को करवा दिए हैं। आपका एक बचता है शाफ्ट, शाफ्ट में आप चार पांच फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, शाफ्ट के अंदर आप चार पांच फॉर्मूले यूज कर लीजिएगा, आपको वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बचता है कौन सा, एक आपका शाफ्ट बचा, शाफ्ट में आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है, बेंडिंग इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, बस ये याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का डिजाइन की मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले बात करें स्प्रिंग, तो स्प्रिंग अगर आपको कहीं, स्प्रिंग के अंदर भी आप क्या कर लीजिएगा, फॉर्मूला यूज करिए, द ड्राई क्लच इन हैवी व्हीकल मल्टीप्लेट कल इन स्कूटर, हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा स्प्रिंग, स्प्रिंग का अगर डिजाइन की मैं बात करता हूं तो डिजाइन अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, और नहीं देखना है तो सोम की जो किताब है उसके अंदर इसके फॉर्मूले आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। तो मैं, और रही बात ये कि अगर बेटा आज अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स करते, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते तो मैं इस क्लास को जरूर लेके चलता और मैं ही आप लोगों को, मुझे पता है मैं आपको कंप्लीट करवा देता, मैंने बोला था। लेकिन बेटा जो रिस्पॉन्स है, जो जितना आना चाहिए, मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरा मन पहले भी बोल दिया था, आप पर डिपेंड करता है कितना क्लास को शेयर करोगे तो मैक्सिमम चीजें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन वो ये चीजें नहीं हुई तो मैं बेटा अब यही है। और काफी सारे जो दोस्त हैं वो ये भी चाहते हैं कि सर अब हम लोगों को कंटेंट, दैट मीन्स कोई लेना नहीं चाहता, बोला सर आप प्रैक्टिस करवाइए। तो मैं, कल आपकी क्लास नहीं होगी, मैंने आप लोगों के लिए कुछ सोच लिया है, परसों से आपकी क्लास होगी, एक क्लास सुबह आपकी करवाऊंगा मैं, ठीक है। अभी आपको बता देता हूं, यूपीपीएससी एई के लिए दूसरे अपने अनुभव सर आई गए हैं, तो मैं वो सोच रहा हूं वेंसडे से, मैं आपको अभी बता देता हूं, दो क्लासेस हमारी चलेंगी, वेंसडे से बुधवार से, ठीक है, वेंसडे से हमारी दो क्लासेस चलेंगी, एक मॉर्निंग 7 एएम और एक बेटा 7 पीएम इवनिंग, ठीक है। ये अनुभव सर आपकी लेंगे, ये बेटा मैं अपनी क्लास लूंगा, तो ये आपके पास बैच पता चल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर बूस्ट योर प्रिपरेशन मैं क्या करूंगा बेटा, दो चीजें आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बेटा कंटेंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस आप लोगों की मैं जितनी हो सके मैं उतना आप लोगों को करवा दूं। तो वेंसडे से, कल क्लास नहीं होगी, वेंसडे से आप लोगों की दो क्लासें मैं लेकर आऊंगा, तो आप देखते हैं तो उसमें कितना आते हैं। तो बेटा कम से कम इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो आई होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोगों ने मशीन डिज़ाइन अच्छे से एंजॉय की होगी और आई होप सो मशीन डिज़ाइन का आपका एक भी क्वेश्चन, मैं जितना कहता हूँ बेटा, जितनी मैंने मेहनत की, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेंसडे को मिलेंगे, अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा वेंसडे के लिए, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।